Who has given you more unnecessary attitude in the industry? Female co-stars or male ones? I think you, Karan. Me? Yeah. हेलो एवरीवन, मैं हूं एंडलेस रोस्टर और आज मैं बात करने वाली हूं एक ऐसे शो के बारे में जहां हमें मिलता है कंट्रोवर्सीज का खजाना। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। हम बात करने वाले हैं कंट्रोवर्सी विद करण, उप्स कॉफ़ी विद करण के बारे में। तो ये एक ऐसा शो है जहाँ पे आपको कोई भी किसी की भी बेइज्जती करता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ होस्ट ही रोस्ट नहीं करता, यहाँ होस्ट का भी रोस्ट हो जाता है। तो लेट अस सी कि किस तरीके से हमारे इस शो में आए हुए गेस्ट ने ही करण जौहर का रोस्ट किया और कैसे उसकी बेइज्जती की है। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहें। Yeah, let me just make a sweeping apology to you for everything. But you know, in my biopic, if ever it's made, you know, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is like, you know, very snooty and completely intolerant to outsiders and, you know, intolerant is a word. Yeah, flag bearer of nepotism, the movie mafia. कंगना रनौत हमेशा से ही अपने सैवेज रिप्लाइज के लिए पॉपुलर रही हैं, पर सिर्फ वही अकेली नहीं हैं जिन्होंने करण जौहर की यूं रोस्ट किया हो या इस तरीके से बेइज्जती की हो। अगले क्लिप में देखिए मीरा राजपूत क्या कहती हैं। रैंक इन ऑर्डर ऑफ टैलेंट। ओके, आई विल आस्क यू वन ऑफ योर क्वेश्चंस। रणबीर, रणवीर, सिद्धार्थ, अर्जुन, आदित्य। Why am I not in that list? Because I have he no never talent. Asks, he never mentions you in any of his lists. No. तो जैसा कि मीरा ने कहा, करण कभी भी अपने क्वेश्चन जब पूछते हैं तो उसमें ऑप्शंस में असली टैलेंट को तो भूल ही जाते हैं। चाहे वो शाहिद कपूर का नाम लेना हो, चाहे वो अपने लिस्ट में अक्षय कुमार और विकी कौशल और इस तरीके के और भी एक्टर्स जो कि एक्चुअल टैलेंटेड एक्टर्स हैं उनका नाम लेना हो, करण जौहर हमेशा से ही अपने कुछ गिने चुने फेवरेट एक्टर्स का नाम आपको लिस्ट में देते हैं और आपको उन्हीं में से चुनना होता है। पर यहाँ तो करण की बात ही उल्टी हो गई। यहाँ पे तो रणवीर और रणबीर उसके दो चहीते स्टार्स ने ही उसकी बेइज्जती की। चलिए देखते हैं कैसे। Say anything that's out of line, we're gonna launch these at you. Such a senior filmmaker, you think you should be saying things like this? Why don't you carry yourself like a senior filmmaker? तो इन दोनों ने आगे और भी बहुत कुछ बोला था, तो आइए देखते हैं इन्होंने और क्या क्या बोला करण जौहर के बारे में और उनके शो के बारे में। Can we talk about you being like both of you being wonderful actors? Otherwise, people think this is a crazy show. But it is a crazy show. Okay. Where else do we get to talk shit? Damn! Okay. Shit. रणवीर सिंह ने कहा ये तो हमने देख लिया, पर रणवीर कपूर ने भी इनके साथ यही किया। दैट वाज एक्चुअली अमेजिंग, क्योंकि यार ये भी तो निपो किड हैं, बट दैट इज ओके, ही इज अ ग्रेट एक्टर। बट यहाँ पे इन्होंने जो करण जौहर के साथ किया दैट वाज एपिक। कॉफी विद करण टाइम पास शो है, उस पे बहुत बकवास बातें होती है। Aren't you tired of coffee with Karan? I am. I was forced this season. I told him I don't want to come, and me and Anushka actually were going to protest and get the entire film industry together because to stop this, it's not fair because he's making money out of us. Yeah. We come and we get screwed through the year. You know, and it's not right. It's not. क्या होता है हैम्पर में? But ये nothing ghanda you get here. Same iPhone you get. You're in every ad, every show, every TV channel. Put on the channel, and my mother says Karan Johar aa jata hai. Why, Dada? Why? This is business. This is my swag. I know, but I did business. तो जब करीना कपूर आई थी कॉफी विद करण पे,
तो उन्होंने जो कहा दैट वाज एक्चुअली रियलिटी, क्योंकि जहां देखो वहां करण जौहर, जहां जाओ वहां करण जौहर, मतलब टीवी में कोई भी चैनल लगा दो, हर चैनल के किसी न किसी शो में किसी न किसी कोने में करण जौहर नजर आ जाता है। मतलब मुझे बताइए कि करण जौहर एक डांस रियलिटी शो में क्या किस काम के लिए है, वहां पे वो क्या करने वाला है? उसने स्टार प्लस पे भी एक शो में काम किया, साथ ही साथ और भी कितने सारे शोज रियलिटी शोज में वो घुसा पड़ा है। आई एम लाइक, उसको जजमेंट देने का राइट कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर जॉनर में क्या कोई भी नॉलेज रखता है? अगर उसे इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, अगर वो काम करने उसे खुद नहीं आता है, देन हु इज ही टू, मतलब वो कौन होता है कि वो किसी को भी जज करे या जजमेंट पास कर सके? What is bothering you about Coffee with Karan? I don't want to hurt anyone else's feelings, so because I figured... Because you've been hurt yourself? So, ruko jara, sabar karo. No, I mean, just not... No, Karan, because he's a wanna... good person. There you people go. Are good people, yeah, and they don't want to hurt other people's feelings, which is all you're trying to do on... Hey, utha le re deva, utha le re baba. कैटरीना कैफ बड़े प्यार से करण जौहर से कह रही थी कि वो किसी के भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती, किसी के साथ किसी के लिए भी कुछ बुरा नहीं कहना चाहती, पर करण जौहर को ये बात शायद समझ में नहीं आई। दैट्स व्हाई अनुष्का हैड टू टेक अ स्टैंड, उसे बोलना ही पड़ा बीच में आके, और जो उसने रिप्लाई दिया दैट वॉज रियली गुड एंड मजा आ गया उसके रिप्लाई को सुन के। An Indian film you wish you weren't a part of. कुछ कुछ होता है। म्यूजिक बहुत अच्छे से करण जौहर को समझा दिया है कि क्या उनको लगता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्लिप पे। वन थिंग दैट यू डिसलाइक अबाउट द इंडस्ट्री बट हैव टू प्रिटेंड टू लाइक इज योर शो। कितने प्यार से बेइज्जती की है ना आमिर खान ने, देख के मतलब मन खुश हो जाता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आपको इस वीडियो को देखकर मजा आया हो तो हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। थैंक यू।